नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, आपकी एकम कसौटी, इसका मतलब ये है कि यूनिट टेस्ट का टाइम टेबल, ईयरली टाइम टेबल हम लोगों को कल ही गुजरात बोर्ड ने अनाउंस कर लिया कि कौन से दिन पे किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और उसमें कितने चैप्टर आने वाले हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ये जो आपकी एकम कसौटी रहती है बेटा, ये ऑलमोस्ट टोटल 5 एकम कसौटीज रहती है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 हो जाती है। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि यही एकम कसौटीज के जो मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल्स में जुड़ते हैं बाय सम कैलकुलेशंस। तो इसके लिए आपको एकम कसौटी जो होती है उनमें आपके, अगर मैं ये कहूँ कि 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, तो 20 में से आपको 5 मार्क्स जो है वो फर्स्ट टर्म के एग्जाम के जुड़े जाते हैं, 5 मार्क्स जो हैं वो आपके प्री बोर्ड के जुड़े जाते हैं, और बाकी के जो 10 मार्क्स आते हैं वो एकम कसौटी के मार्क्स को ज्वाइन करके एड ऑन होते हैं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको सीरियसली लेना और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ऑलमोस्ट 25 मार्क का जो है वो एग्ज़ाम रहता है। तो आइए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चैप्टर और किस दिन क्या है। तो एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली उन्होंने तो बहुत सारे पेजेस दिए हो, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई तरीके से आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये स्पेसिफिकली फॉर द क्लास 10th है। तो जैसे कि 25 को, ओके जी हाँ, अभी हमारा एग्ज़ाम आ ही रहा है आज, आई थिंक 19 तो है ही। तो 25/7 को आपके दो एग्ज़ाम रहेंगे, एक रहेगा गुजराती और एक रहेगा साइंस। ओके, अब जो गुजराती है उसमें जो हम लोगों को परिपत्र में, जो नोटिस में हम लोगों को डीओ में से आ चुका है जो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, वो पद एक करना है, गद में 2 और 3 करना है, और विचार विस्तार आएगा, विरोधी आएगा, जोनरी मेज द फॉलोइंग और समानार्थी, ये आपके ग्रामर पोर्शन में आ जाएंगे। ओके बेटा, मैं सबको समझा भी देती हूँ आपको, बिकॉज हो सकता है कि थोड़ा आपको लाइट दिखे या क्या। ओके, मैं इसके लिए पूरा बोल भी रही हूँ, तो आप उसको समझ लेना क्या है। फिर आपका उसी दिन, ओके, दो दिन, एक दिन में दो एग्जाम होंगे, तो उसी दिन आपका साइंस का भी एग्जाम रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस, एंड 13 चैप्टर आएगा दैट इज अवर एनवायरनमेंट, जो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 29, फिर सीधा आपका एग्जाम होगा 29/7 को। 29/7 को अगेन दो एग्जाम है, मैथ का और SST का। मैथ में जो चैप्टर आपको दे रहे हैं वो 1, 2, 14 दे रहे हैं। ओके, दैट इज वन चैप्टर इज अ रियल नंबर, सेकंड इज पॉलीनोमियल, एंड 14 दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। एंड SST में आपको प्रिपेयर करना है 1, 2, 8 और 15। फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस UT के दे दिए हैं, जरूर देखिएगा बच्चा। सेकंड चैप्टर का आज ही मैं अपलोड कर लूँगी, वो आपको मिल जाएगा, और दो दिन के अंदर मैं आपको 8 और 15 भी अपलोड करके दे दूँगी। तो आप इसको प्रिपेयर करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी टू क्रैक द एग्जाम ऑफ UT। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं 8 डेट। अब सीधा आपका आएगा अगस्त में। ओके, हर महीने दो एग्जाम रहेंगे। अब अगस्त में 8 तारीख को एग्जाम है गुजराती और साइंस का। ठीक है, इन सबके अंदर इंग्लिश का एग्जाम कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अब अगर स्कूल अपने हिसाब से लेता है तो वो अलग चीज़ है, बिकॉज स्कूल वालों को ऐसा होगा कि हम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी करवा लें बच्चों को, तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश का एग्जाम वहाँ पे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स को उन्होंने फोकस किया हुआ है, मैथ, साइंस, SS और गुजराती। ठीक है, इंग्लिश का उन्होंने फोकस नहीं किया है, तो आपके स्कूल वाले शायद कंडक्ट करवा सकते हैं, तो वो स्कूल का पॉइंट रहेगा। ओके, चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो 8 डेट को आपका गुजराती और साइंस का रहेगा। गुजराती में आपका पद आएगा 4/7, गद आएगा 5/6, समास, संधि और निबंध लिखन आ जाएगा, और साइंस के अंदर आपका आएगा चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 22, 22, 8। ये जो नंबर्स हैं बेटा 5, 9, ये जो न्यू बुक है ना उसके हिसाब से, तो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप चेकआउट कर लेना चैप्टर। ठीक है, 5 इज द लाइफ प्रोसेस, पुरानी वाली बुक में 6 वाज द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज ये चीज जरूर गो थ्रू कर लेना। 9 चैप्टर जो रहेगा दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन वाला। ओके, फिर बात करें 22, 22, 8 को मैथ और SST का है, तो मैथ में आपका 7 और 13 चैप्टर आएगा। ओके, और SST के अंदर आपका रहेगा 3, 4, 9 और 10। फिर 12/9, अगस्त का मंथ क्लियर हो गया, अब सितंबर की बात कर रहे हैं। तो 12/9 को आपका रहेगा गुजराती, साइंस। गुजराती में आपका पद 9/10, गद 8/10, कहवत, रूढ़ी प्रयोग और संक्षेपीकरण आएगा, और साइंस में हम बात करते हैं तो 2 और 10 चैप्टर आएगा। ओके, 26/9 को जो रहेगा आपका मैथ और SST का, मैथ के अंदर आपको चैप्टर मिलेंगे 3 और 5, और SST में आपको चैप्टर मिलेंगे 5, 11, 16 और 17। मैंने इसके लिए कलर्स का भी चेंज किया है, ताकि आप देखना कि ये कलर कौन सा और उस हिसाब से ये क्या है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो था कि। ओके, फिर आपके पास रहता है, फिर आपका आएगा सीधा 12th मंथ, इसका मतलब कि दिसंबर। नवंबर में दीपावली वगैरह की छुट्टियाँ होती है, तो उसमें कोई भी एग्जाम नहीं है आपका, तो सीधा अपन को रहेगा। और 10th में कि अक्टूबर में भी एग्जाम नहीं है, द रीज़न कि उस टाइम तो आपका फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम, फर्स्ट टर्म का एग्जाम रहेगा ना, प्रथम परीक्षा, तो इसके लिए 10 और 11 ये दो मंथ जो है वो नहीं है यहाँ पे। फिर सीधा 12th मंथ, मतलब कि दिसंबर की बात हो रही है, यहाँ पे आपका रहेगा साइंस का। ठीक है, साइंस में आपका रहेगा चैप्टर 3, 6, 7, 8 और
गुजराती रहेगा, ठीक है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था यहाँ पर। फिर 26 को हम बात करते हैं, सॉरी गुजराती में 13-15 और गद्य में 12-14 और वाक्य उसके प्रकार और वार्ता लेखन आपका रहेगा। साइंस क्लियर हो गया। फिर 26 को हम लोग करने वाले मैथ और एसएसटी का। मैथ के अंदर जो चैप्टर रहेंगे वो 6-10-11-4 और एसएसटी में जो रहेगा वो 6-12-18-10-20, ठीक है। फिर 9-1 मतलब कि जनवरी मंथ का, ठीक है, जनवरी मंथ 9 तारीख को आपका रहेगा यहाँ पे गुजराती और साइंस। ओके, पद 18, गद 16-17, विराम चिन्ह पंक्चुएशंस आ जाएंगे और अहवाल लेखन आ जाएगा। और यहाँ पर साइंस में आपका 4 और 11 चैप्टर हो जाएगा। फिर आपका 10 डेट मतलब नेक्स्ट डे ही आपका, ठीक है, अब इसमें कोई भी गैप नहीं दिया है, नेक्स्ट डे ही आपका मैथ और एसएसटी का एग्जाम रहेगा, जहाँ पे मैथ्स के अंदर 8 और 9 चैप्टर आ जाएंगे, दोनों के दोनों भयंकर चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों को पहले से टेंशन हो जाती है। और एसएसटी के आपके रहेंगे 7, 13, 14, 19 और 21। ओके, जो दो न्यू चैप्टर आपके बुक में अभी जो इंक्लूड किए गए हैं वो इस टेस्ट में उन्होंने इंक्लूड नहीं किए हैं। ओके, तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर ये है, और फरवरी का तो उन्होंने डेट शीट दे ही दी है, ठीक है, फरवरी जो है वो कितने 25 के आसपास के कुछ फरवरी से तो एग्जाम हमारे बोर्ड के आ ही रहे हैं, तो इसके लिए लास्ट हमारा जनवरी तक ये पूरा स्केड्यूल जो है वो दिया गया है बाय द गुजरात बोर्ड। और यही सारे मार्क्स जो है वो स्कूल वालों को गुजरात बोर्ड को सबमिट भी करने पड़ जाएंगे, बिकॉज कि उनको इंटरनल जो भी आपके मार्क्स रखेंगे ना बेटा, तो 25 मार्क का एग्जाम है, ठीक है, समझो 25 में से आप ना 13 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो कैसे होगा कि 25 में से अगर आप 13 मार्क्स लेके आए हो तो 5 मार्क्स में से कितने बनेंगे, ठीक है, 25 में से अगर आप 13 मार्क्स लेके आए हो, आई हैव द स्पेस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर 25 में से आप 13 मार्क्स लेके आए हो तो 5 में से आपके कितने मार्क्स बनेंगे, ऐसे करके यहाँ भी मैं 15 लिख देती हूँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 × 5/25, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5 और ये 1 = 3, मतलब कि 5 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो इंटरनल मार्क्स बेटा बहुत ज़रूरी है, आप अपने सीनियर से ज़रूर पूछ लेना, इंटरनल मार्क्स की वजह से रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा ना उछाल होता है। और एक चीज़ आपको भी क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम पेपर्स ईजी आए थे, इलेक्शन था, ये था, ठीक है, तो आप सब एवरीवन इज वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि लास्ट ईयर मतलब जो भी अपने एग्जाम गए थे तो पेपर भी ईजी था, चेकिंग भी ईजी हुआ था, नो डाउट, बट हर बार ये नहीं होगा। और एक साल अगर पेपर ईजी निकलता है तो दूसरे साल वो पेपर अच्छे खासे बनाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए इस साल को आप हल्के में मत लेना बेटा, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, अभी भी शुरुआत है, अगर आप मेरी बात मानो तो प्लीज़ अभी से स्टडी के ऊपर लग जाना, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम ही 15 दिन पहले कर दिए, तो 15 दिन का गैप मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था जब मैं आपको डिस्कस कर रही थी रिगार्डिंग द डेट शीट ऑफ बोर्ड एग्जाम, तो मैंने तभी भी कहा था कि अभी समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है बेटा, तो इसके लिए प्लीज़ कोई भी चीज़ को लाइटली मत लेना। एज अ वेलविशर, एज अ मेंटर, मैं आपको ये चीज़ गाइड कर रही हूँ, और मैंने आपको इसके लिए बता भी दिया कि किस तरीके से मार्क्स रहते हैं, ठीक है, तो 20 मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 20 मार्क्स जैसे मैंने आपसे कहा कैसे कैसे होते हैं, देखो 5 मार्क आपके रहेंगे जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम रहेगा ना, फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम रहेगा, 80 मार्क का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो अगेन कैलकुलेशन ऐसी होगी, 80 में से अगर आप 40 मार्क्स स्कोर करते हैं तो 5 में से आपको 2.5 मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपके दूसरे 5 मार्क आएंगे, आपके जो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा ना उसमें से आपको 5 मार्क बनेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप 80 में से कितने स्कोर करते हो वो कन्वर्ट कर लेंगे 5 मार्क के अंदर, ठीक है। तीसरा जो आएगा ये एकम कसौटी का 5 मार्क का रहता है, ओके, और एक 5 मार्क जो होगा वो आपके स्कूल में, अब देख लेना अभी आपको क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कहेंगे या कुछ कहेंगे आपको स्कूल में, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह के आपके 5 मार्क रहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हो सकता है कई कई स्कूल ऐसा भी करता है कि जैसे समझो कि साइंस के टोटल एग्जाम कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा स्कूल करता भी है कि इन 5 को कैसे दो साइंस के एग्जाम एक में कंसिडर कर लिए और 3 साइंस के एग्जाम दूसरे में कंसिडर कर लिए, तो स्कूल ये भी कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि इन 5ों के साइंस के प्लस करके एवरेज निकाल के वो इसी में इंक्लूड कर दे, तो ये थोड़ा बहुत स्कूल को लिबर्टी दी हुई है, स्कूल कैसे भी वो चीज़ कर सकता है। तो अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना बेटा, एक्चुअली मैं आपके भले की बात बोल रही हूँ, तो ये है कि ये जो आपको 5 मार्क मिलेंगे ना प्रोजेक्ट के, यही आप जो है वो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया, ठीक है, जिस टाइम पे आपको आपके मैम और सर कह रहे हैं आप उसी टाइम उसको सबमिट कर दो अच्छे से ढंग से बना के, तो आपको वहाँ पे, तो ये वाले 5 मार्क तो समझो कि थोड़े बहुत फ्री जैसे ये मिल ही जाते हैं, ठीक है, बट ये जो 15 मार्क है ना बेटा, इन 15 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स जितना जो आप पेपर लिख के आएंगे उसी का ही कन्वर्जन होने वाला है, तो कोई भी टीचर आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क दे नहीं सकती है, बिकॉज ये सारे प्रूफ उनको देने पड़ते हैं डीओ को, ठीक है, कि अगर आपको अगर एक बच्चे के स्कूल में
वो इंटरनल देने की, भैया 20 में से 20 इंटरनल दे दिए या 20 में से 19 इंटरनल दे दिए, तो बोर्ड वाले पूछते हैं कैसे दिए, उस बच्चे में है थी काबिलियत? तो लिटरली आपके पेपर्स वहाँ पे जाते हैं, वो शोर होते हैं कि हाँ देखिए बच्चे ने ये स्कोर किया है, उसके कन्वर्जन ने किया है, तो ये एविडेंस रहेगा। तो कोई भी स्कूल इसमें कोई घपला नहीं कर सकता, मैं पहले बता दूँ। तो इसके लिए ये पाँच, ये जो 15 मार्क है, ये 15 मार्क आपके लिए क्रूशल होते हैं स्कोर करना। वो तो चलो ये 5 में से 3-4 तो मिल ही जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जितना अच्छा बनाओगे शायद 5 के 5 भी मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो इसके लिए मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेटा इन एग्जाम्स को प्लीज लाइटली मत लेना, ठीक है? आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। दैट इज ऑल आई कैन से टू यू। एंड अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने SST का कल आपको दे दिया है फर्स्ट चैप्टर का, मैं मेरे यहाँ से आपको हेल्प करती जाऊँगी। अब ये टाइम टेबल मुझे भी मिल गया पूरा का पूरा, तो ये टाइम टेबल के हिसाब से मैं आपको बहुत पहले ही सारे के सारे UT वाले जो भी एग्जाम्स के रहेंगे वो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती जाऊँगी। तो आप उसको देखते जाइएगा एंड उसको आप लर्न करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत ऑथेंटिक मटेरियल रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है? इट्स वेरी ऑथेंटिक मटेरियल। जो अभी तक सवाल पूछे गए हैं बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाती जाऊँगी। तो चलिए बच्चा यहाँ पे हम इस चीज़ को स्टॉप करते हैं। एक बार आप इसका प्लीज़ ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। सो बेटा इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो देट उनको भी हेल्प हो जाए। पूरा एक ना कहते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट आपके सामने आ गया, और बाकी मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आई डेफिनेटली आपको जितना जल्दी होगा मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी। तो मिलते हैं हम लोग अभी हमारे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है? जहाँ पर मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करवाती जाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करते रहिएगा।